सो डर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एट हीय वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन दट इज पापा ची इज़ मॉथ बाई अरुंद रॉय एंड द लेसन इज फ्राम योर टूलिप सीरीज बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास टेंथ बाई जे के बोस एक्चुअली द लेसन इज एन एक्सर्प्ट अ फ्रैगमेंट दैट हैज़ बीन टेकन फ्राम अ वेरी फेमस नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाई अरुंदति रॉय हर सेल्फ चूंकि ये जो लेसन है ये असल में एक फ्रैगमेंट है एक एक्सर्प्ट एक है जो एक नावल से लिया गया है इस वजह से इस लेसन की जो स्टोरी लाइन है या इसकी जो शुरुआत है और जो फिर इसकी एंडिंग है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट

और ट्वेंटी फोर्थ नवंबर नाइनटीन सिक्सटी वन को हुई है चौबीस नवंबर नाइनटीन सिक्सटी वन को इसकी बर्थ हुई है इज़ एन इंडिया राइटर ये एक हिंदुस्तानी राइटर हैं अदीब हैं एंड इन इंग्लिश और जो मोस्टली शीज़ टू राइट इन इंग्लिश जो इसकी अक्सर जो राइटिंग्स हैं जो जिसकी बुक्स हैं वो अंग्रेजी ज़बान में अवेलेबल हैं अंग्रेजी में ये लिखती हैं एंड सोशल एंड एक्टिविस्ट इसके अलावा ये एक्टिविस्ट ह्यूमन रॉट्स एक्टिवस्ट या जो समाजी हकूक होते हैं या इंसानी हकूक़ होते हैं उनकी अलमबरदार भी हैं ये हु वन द बुक आर प्राइजन नाइनटीन नाइन्टी सेवन फ़ॉर हर नावल द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स और उन्नीस सौ सतानवे में उसको बुकर प्राइज़ दिया गया जो इंग्लैंड की तरफ से एक इनाम दिया जाता है बरतानिया की तरफ से फ़ॉर हर वेरी फेमस नावल द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स उसकी जो नावल थी द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स उसके लिए उसको ये इनाम ये अवार्ड दिया गया एंड इन टू थाउजेंड टू द लिनॉन कल्चरल फ्रीडम प्राइज़ और दो हज़ार दो में जो लिनॉन कल्चरल फ़्रीडम प्राइज़ पर हीप ये रशिया की तरफ से ये इनाम इसको दिया गया शी इज़ इज़ल्सो ए राइटर ऑफ टू स्क्रीन प्लेस इसके अलावा इसने दो स्क्रीन प्लेस लिखे हैं जो ड्रामाज होते हैं ऐसे प्लेस जो फिर अनेक्ट किए जाते हैं जिन पे मूवीज़ बनाई जाती हैं या जिनको थिएटर में अनेक्ट किया जाता है या जिन पे कोई ड्रामा बनाया जाता है एंड अ नंबर ऑफ़ कलेक्शन ऑफ़ एसेज और इसके अलावा इसने बहुत सारे एसेज लिखे हैं बहुत सारे मजामी लिखे हैं रॉय इज़ अ वेल नोन एक्टिविस्ट फॉर सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस और अरुंदी रॉय इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बड़ी फेमस हैं फॉर हर वर्क टूआस सोशल एंड इकनॉमिक जस्टिस क्योंकि वो जो समाजी और इकतदी इंसाफ जो होता है जो हुकूक होते हैं इसके लिए काम करने में वो बड़ी ही फेमस हैं नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड आल्सो उनधति रॉय वाज बॉर्न इन शिलोंग और रॉय की जो असल में बर्थ हुई है वो शिलोंग में हुई है मेघालिया मेघालिया में जो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हिल स्टेट है ऑफ इन इंडिया जो इंडिया में आता है टो कैरलाइट सीरियन क्रिश्चियन मदर है इसकी जो माँ है वो असल में Uh, उसके जो एनसेस्टोर हैं वो सीरिया से आए हैं फिर वो केरला में सेटल हो गए और रिलीजन uh, से वो क्रिश्चियन है द वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट मैरी रॉय और uh, वो भी अरुंधति रॉय की ही तरह एक एक्टिविस्ट एक रही हैं जो औरतों के हक़ूक़ के लिए काम कर रही है काम कर रही थी एंड हर नेम वाज मैरी रॉय उसका नाम मैरी रॉय था एंड अ बंगाली फादर और अरुंधति रॉय का जो बाप है वो असल में बंगाल से बिलोंग करता है शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन आयमनम इन केरला उसने अपना जो बचपन है वो आयमनम केरला uh, में एक जगह है वहीं पर बिताया एंड वेंट टू स्कूल एट कॉरपस क्रिस्टी कोटायम और फिर वो जो स्कूल चली गई दैट वॉज कॉरपस क्रिस्टी वो एक मिशनरी स्कूल था कोटायम में फॉलोड बाई द लॉरेंस स्कूल लाउडेल और फिर उसके बाद जो उसने और तलीम हासिल की वो लॉरेंस स्कूल लाओडेल इन निलगरीज तमिलनाडु ये तमिलनाडु में कोई निलगिरीज के पास में जो नीलगिरी माउटेन्ल्स हैं हिल्स हैं उनके पास में कोई जो स्कूल हैं वहाँ पर उसने और तालीमी हासिल की शीधन स्टडीड आर्किटेक्चर एट द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली और फिर उसने जो अला तलीम जो हायर एजुकेशन हासिल की were planning. और आर्किटेक्चर फील्ड में आर्किटेक्चर जो होता है उसके फील्ड में उसने हासिल की न्यू दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वहीं से उसने पढ़ाई की रिलेटेड टू दिस आर्किटेक्चर वर्षी मैठर फर्स्ट हसबेंड आर्किटेक्ट गहरा डी कन्हा जहाँ पर उसका जो पहला फिर पति बना उस बंदे से मुलाकात हुई जिसका नाम गहरा डी कन्हा है जो वो भी आर्किटेक्ट ही था और रॉय मैठर सेकंड हसबैंड फिल्म मेकर प्रदीप कृष्णन लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके इस गहराडी गुन्हा के साथ

Uh, इसने बहुत सारे अवार्डस हासिल किए थे इस मूवी में अंटिल मेड फाइनेंशली स्टेबल बाई द सक्सेस ऑफ आर नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंगस जब तक कि वो फाइनेंशली स्टेबल नहीं हुई बाई दिस नावल द गॉड ऑफ स्माल थिंगस जब ये उसकी जो नावल छप गई और इसको फिर ये बुकर प्राइज़ का इनाम दिया गया शीडिड वेरियस जॉबस तब तक उसने बहुत सारे अलग अलग जो जॉब्स किए काम किए इंक्लूडिंग रनिंग एरोबिक्स क्लासेज एट न्यू दिल्ली फाइव स्टार होटल और दिल्ली न्यू दिल्ली में जो फाइव स्टार होटल्स हैं उनमें वो काफ़ी टाइम तो जो एरोबिक क्लासेस होते हैं वो भी चलाती रहे जहाँ पे वो एक्सरसाइज और दूसरी चीज़ें की जाती हैं शी इज़ अ कमिटेड ह्यूमन एक्टिविस्ट वो एक बड़ी ही कमिटेड, एक मज़बूत जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार हैं वो हैज़ बीन राइटिंग ऑन कंटम्परी कंटम्पोररी सोशल एंड पोलिटिकल इशूज़ और जो अक्सर जो हमारे सोसाइटी में जो सामाजिक और जो सियासी जो इश्यूज हैं मामलात हैं खासकर इंडिया की अगर हम बात करेंगे या जो यहाँ पे जो मॉर्जनइज सेक्शनज़ हैं जो बिशरी जो तबके हैं लोग हैं तो उस पर वो अक्सर लिखती रहती हैं इसकी रिसेंटली और भी कुछ बुक्स आई हैं ऑन दिज वेरी इश्यूज जिन पे जो खासकर जो सोशल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इश्यूज इन पर बात की गई है सो so, ये था बैकग्राउंड ऑफ दिस वेरी राइटर दैट इज़ अरुंधति रॉय So dear uh, students, uh, this was the background of uh, uh, the writer Arundhati Roy. Where she was born, where she got her education, and uh, uh, what is her contribution uh, towards the literature and. Uh हर रोल एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस लेसन का जो प्रोलॉग यहाँ पे दिया गया है एक इंट्रोडक्शन दी गई है उसको देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक